विभिन्न मांग को लेकर हिलसन मंडल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले ने दिया धरना। हम आपको बता दें कि मंगलवार को हिलसा सर के हिलसन मंडल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले ने विभिन्न मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं भाकपा माले के नेतागण, जरा सुनिए। हिलसा अनुमंडल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले का धरना है, आइए किस बात को लेकर है। सबसे पहले मुनिलाल जी से, आज अनुमंडल कार्यालय अनुमंडलाधिकारी के समक्ष भाकपा माले थरथरी प्रखंड की ओर से कचहरिया ग्राम में दलितों गरीबों जो बरसों से बसे हुए हैं उसको उजाड़े जाने के साजिश के खिलाफ में हम लोग धरना आप दे रहे हैं। लंबे समय से ये लोग सैकड़ों परिवार वहाँ पर बसे हुए हैं, सब घर द्वार बनाए हुए हैं, सरकारी आवास भी बना है इंदिरा आवास के माध्यम से, सामुदायिक भवन बना है, गांव में नली गली सब भी बना हुआ है, उसके अगल बगल में गांव घर के आगे कुछ ज़मीन शेष बचा हुआ है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा लोग हर घर के सामने है। और उसको है जो जिला प्रशासन के द्वारा जल जीवन हरियाली के नाम पर ये तालाब खोदने की मैंने टेंडर किया गया है, जिसमें कोई ठेकेदार भी इसमें बहाल हुआ है, ठेकेदार ने वहाँ चूना दे करके लेआउट किया है और इन लोग को सूचना दिया है कि आप लोग जो ज़मीन का फसल उससे लगा हुआ है सबको ये कीजिए। इसीलिए हम लोग आज आए हैं कि ये इस डी ओ साहब से मिलेंगे, बात करेंगे कि तत्काल उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इन लोगों को 1982 में ही तत्कालीन जो अंचलाधिकारी चंडी के थे 45 लोगों का जिलाधिकारी के यहाँ अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडलाधिकारी के यहाँ बंदोबस्ती के लिए चंडी अंचल के द्वारा ये अनुशंसा किया गया है, सूची दिया गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को बंदोबस्ती व जमीन का नहीं किया। अगर ये माले सुरेंद्र राम माले के जिला सचिव हैं, क्या कहेंगे? तो धरना के माध्यम से आज जो धरना दिया जा रहा है थरथरी प्रखंड के तरफ से, जैसा कि बताया गया कि कचहरिया में जो गरीब गुरबा लोग बसे हुए हैं, कुछ ज़मीन जो आगे है जिस पे जानवर बांधते हैं, बकरी पालते हैं, उसको उजाड़ने का पूरा एक षड्यंत्र किया जा रहा है। उजाड़ने के लिए ठेकेदार बहाल किया गया है। तो आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से अनुमंडला पदाधिकारी को कहने के लिए आए हैं हम लोग कि तत्काल इसको आप रोक लगाइए, तत्काल इस पर फौरन एकदम रोक लगाइए, अन्यथा वहाँ के जनता इस सवाल पे पूरा प्रतिवाद करेगी, प्रतिरोध करेगी, और हर हाल में कहिए तो वहाँ पे जनता को उजड़ने से वो रोकने का काम करेंगे, और कोई भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो यहाँ के एसडीओ साहब उसका पूरा पूरी जिम्मेवार होंगे, जवाबदेह होंगे। चाभी शिवशंकर जी, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये धरना तो कचहरिया गांव का गरीब दलित अति पिछड़ों को उजाड़े जाने के साजिश के खिलाफ में है, लेकिन हमारा कहना है कि बिहार में सरकार बदल गई, जो भाजपा एनडीए की जो सरकार थी और उस कार्यकाल में जो जिस धरना से चल रहा था, आज भी नौकरशाह लोग में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकारें बदल गई लेकिन इनका जो कार्य करने वाला लोग है नौकरशाह लोग, ये लोग हैं जो कि भाजपाई तर्ज पर ही काम कर रहे हैं और उसी तट पर कचहरिया गांव में गरीबों को उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। हम एक मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको फौरन अपने हस्तक्षेप करके इस पर रोक लगाइए। आपकी सरकार की बदनामी हो रही है, गरीब विरोधी चेहरा बनाया जा रहा है इन दुष्ट नौकरशाहों के जरिए, और किसी भी कीमत पर वहाँ तालाब खोदने नहीं दिया जाएगा, जबकि गांव में 300 बीघा से ज़्यादा गर्मा जरुआ है जो भूस्वामी लोग के कब्जे में है। उस जमीन को खोज के उसमें तालाब क्यों नहीं सरकार खनवाती है, क्यों नहीं ये प्रशासन लोग खनवाते हैं? अरे गरीब लोग को उजाड़ने पर तुले हुए हैं। तो साफ है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जिस जमीन पर हम बसे हैं वह जमीन हमारी है, और जान देंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। जगह पे अभी चंडी का मामला है, हिलसा में भी देख रहे हैं कि जगह जगह पर गरीबों का जो बसे हुए हैं लंबे समय से, और उन पर है जो कि मतलब कि नोटिस आ रही है। अब बगल में ही है जो कि मतलब कि बड़े भूस्वामी हैं जो कि मतलब कि बसे हुए हैं, तो उन पर कोई नोटिस नहीं। गरीबों के टोले पर बिजली कट रही है, लेकिन उनका बिजली बकाया बगल में ही है जो कि ढेर सारा बिजली बकाया है, उन पर कोई नोटिस नहीं। तो ये जो चल रही है सरकार, तो इसका चेहरा साफ साफ है जो कि दिख रहा है कि भाजपा के तर्ज पर ही भाजपा स्टाइल में ये शासन को चला रहे हैं, और जिससे जो कि महागठबंधन की बदनामी हो रही है।